हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ कमलेश राज निषाद, मैं आया हूँ एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज है जुमा, तो हम लोग सोए थे, अभी सो के उठे हैं, फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। अभी थोड़ा मजाक मस्ती करते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, थोड़ा मजाक मस्ती करते हैं। आज जुम्मा है, छुट्टी है ना सब। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा रूम, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। शीशा उसा है, यही रूम है भाई सऊदी का। अभी अभी ये दोस्तों हम लोग खाली करके जाने वाले हैं दूसरे जगह, क्योंकि हम लोग का काम ख़त्म हो गया है यहाँ से, अभी हम लोग जाने वाले हैं। देखिए ये है मेरा, मैं यहाँ सोता हूँ, मेरा इधर बेड है, एक पीछे भी बेड है। देखिए इस पर नहीं सोता हूँ, ये गद्दा बहुत मोटा है इसके लिए मैं इस पर नहीं सोता हूँ। देखिए हम लोग का किचन है, सब है। देखिए एसी लगा हुआ है, एसी चालू है, तो गर्मी बहुत है दोस्तों, इस वजह से दिन भर एसी चालू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और अब थोड़ा चलते हैं, अब चाचा के साथ में मजाक मस्ती करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उसके साथ में बात करने का। चाचा पाकिस्तान का है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आता है उसके साथ बात करने में। चलते हैं उधर, हम चाचा से काम मज़ा मस्ती करते हैं, आप लोग वीडियो बने रहें और मज़ा लें। तो दोस्तों देख लो, ये है चाचा जी, अभी से थोड़ा मजाक मस्ती लेते हैं, उसके बाद बोलो चाचा बोलो। मेरे दोस्तों सबको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो या कहाँ के रहने वाला हो, दुबई में रहने वाला हो, मेरे तरफ से सबको सलाम। मेरा नाम है चाचा कबूतर वाला। लोगों ने बड़े शौक से नाम रख दिया चाचा कबूतर वाला, क्योंकि मेरे को सुबह से शाम तक कबूतर को दाना चाना भी डालता हूँ, बकाला भी काम करता हूँ सारा, तो कबूतर रखने का शुरू से शौक है मेरे को, इसलिए लोगों ने बड़े शौक से बोला चाचा कबूतर वाला। तो 32 साल का रहायशी हूँ मैं सऊदी अरब का, नेशनलिटी के चक्कर में हूँ, हो सकता है कि सऊदी कभी भी नेशनलिटी देगा तो चलो सऊदी अरब में ही रहेंगे, पाकिस्तान में क्या रखेगा, महंगाई के अलावा और कुछ नहीं उधर। तो अल्लाह का शुक्र है कि सऊदी अरब में रहते हुए इधर ही कमाया, और खुशकिस्मत हैं और सऊदी अरब को दुआएँ देते हैं इस जगह पे रह के रिज़्क कमाया। ठीक है ना, अभी मैं थोड़ा सा बैठने उठने के बारे में बता रहा हूँ, ये सुन लीजिए। थोड़ा बोलते हैं कि बैठे मजलसां चंगियां विच बुरियां, मजलसां जाईदा नहीं, गल सोच के विच पंचायत करिए, हमें अपना भरम गवाईदा नहीं, वो जिहड़े कम तो सारे लोग रोकणे उस कम नूं कदे हथ पाईदा नहीं, और दुश्मन चल के अब्दुल हई घर आवे उन्हों गुस्से दे नाल बुलाई दा नहीं। फिर होर की कहिंदा है, कहिंदा जी जिस दे नाल प्रीत लाइए उन्हों दिल चों कदी भुलाइए ना, और डर होवे जहान दे तानियां दा पहले सोच लईए कदी लाइए ना, यारी ला के सोच दाग इश्क दे नां नूं लाइए ना, जदों चिड़ियां हसरा है फेर चुकिया फिर ताड़ी मार उड़ाइए ना। फिर की कहंदा है, काफ कसम ना चुकिए कदी झूठी, भावें सिर ते खड़ी तलवार होवे, अगे दुश्मन दे लग के भज्जिए ना, भावें जित ते भावें हार होवे, कदी दसीए राज ना रन ताई, अकलमंद ते भावें होशियार होवे। भाई जो भी बिजनेस करो, पैसा कमाओ, यानी अपने आप तक होना चाहिए, उसका राज ये नहीं कि हर आदमी को पता है इसके बैंक में कितना पैसा है क्या नहीं, हर आदमी को नहीं, अपनी सोच अपने पास रखो, ताकि तुम बूढ़ा हो जाएगा फिर तुम्हारे पास जो तुम्हारा पैसा होगा थोड़ा वो काम आएगा। हर आदमी को, बच्चों को, दूसरे को, बीवी को मत बताओ कि मेरे पास कितना पैसा है क्या नहीं है, ये सोच रखो। एकदम सही बात है, इसी पे बात खत्म करता हूँ। थोड़ा अभी दिमाग भी आज सही नहीं है, धूप बहुत था ना, धूप बहुत था, तो बूढ़े आदमी के तो दिमाग वैसे ही
सटक जाता है आधा बुढ़ापे में हो जाता है ना। अभी उम्र भी काफी हो गया, 64 साल का उम्र हो गया अभी, तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अभी भी कारोबार बिजनेस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं शुक्रगुजार हूँ सऊदी अरब का, यहाँ से रह के कमाई कर रहे हैं, इनकी वजह से उनको दुआएं देते हैं हमेशा के लिए, और दुआएं देते रहेंगे। अल्लाह पाक जिनको सऊदी अरब को ज़्यादा से ज़्यादा दे, क्योंकि पाकिस्तान का दोस्त है, अल्लाह पाक खुश रखे सबको, और वक्त को ज़ाया मत करें, थोड़ा टाइम अपना ज़ाया मत करें। तो हर वक्त जो है ये तनकीद होना चाहिए कि काम के बराबर इंसान को होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग चाचा से मिल लिए, चाचा ने कुछ ज्ञान की बातें बता दिया, सीखना चाहिए थोड़ा, बुजुर्ग है ना, थोड़ा बुढ़े लोग अच्छा ही बात बताते हैं, जो भी बताते हैं। तो दोस्तों आइए, अब चाचा जो है कि नेशनलिटी के चक्कर में पूरा ज़िंदगी बिता दिए, यानी नागरिकता जिसे बोला जाता है, बुढ़े हो गए, अब बात करें और भी बात करते, लेकिन क्या है चाचा का खरबूजा आ गया, और खरबूजा आ गया तो फिर वो खरबूजे के चक्कर में लग गए। जैसे कि देख सकते हैं चाचा का खरबूजा आ गया और ले गया, क्या खरबूजा जो अपने यहाँ तरबूज बोलते हैं, खरबूजा भी बोलते हैं, कलिंगर भी बोलते हैं, ये है। देखिए आ गए, इसीलिए हम लोग थोड़ा ही बात किए, अभी पता नहीं, थोड़ा सा बात करते हैं। ये मार रहा है कितना है, ये दूसरा कुछ है खाने वाला, खीरा काकरी बोलते हैं कि बट्टी बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं इसका नाम मुझे। ये भी आ गया, खाने का फल है, ये बहुत अच्छा होता है खाने में। अभी गर्मी चल रहा है ना, यहाँ पे ज़्यादा चलेगा, रोड के किनारे आपको मिल जाएंगे कहीं कहीं गाड़ी वाले, सऊदी लोग रोड पे ऐसा गाड़ी खड़ा कर देते हैं, उधर ऐसा गाड़ी में से बेचते हैं। अभी ये लगता बच्चा था भी ले जाए, फिर ये बखाली में बेचेगा, नहीं दुकान पर बेचेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, नए वीडियो अपनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।